केरला में कथित रूप से पटाखों से भरे अनानास खाने की वजह से प्रेग्नेंट हथिनी की मौत हो गई। कथित इसलिए क्योंकि फिलहाल मामले की जांच जारी है। इस खबर से देश भर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह दुखद घटना ट्रेंड होने लगी। कई लोगों ने मांग की कि ऐसा जघन्य अपराध करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। और फिर नाटकीय मोड़ लेते हुए कई लोगों ने केरला में शिक्षा के स्तर को लेकर मजाक बनाना शुरू कर दिया। बता दिया जाए कि इस प्रदेश का साक्षरता का आंकड़ा पूरे देश में सबसे ज्यादा है। और फिर देश के बाकी कई मुद्दों की तरह एक असहाय जानवर की मौत ने भी मुस्लिम विरोधी लहर को हवा देनी शुरू कर दी। भाजपा सांसद और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने इस मामले पर एक ट्वीट किया, दावा किया कि घटना मलप्पुरम में घटी है जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। मेनका गांधी ने ANI से बात करते हुए यही दोहराया। ANI से बातचीत में उन्होंने ये भी कहा, देखिए मलप्पुरम जो है वो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे देश में शायद सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, जो रोज के रोज एक ना एक कांड मलप्पुरम से निकलता है। ये जानवरों को तो मारते ही मारते हैं। वहाँ के पंचायत लोग हाथियों को ही नहीं, वो जहर फेंक देते हैं, हजारों जानवर एक साथ मर जाते हैं, चिड़ियों को मारते हैं, कुत्तों को मारते हैं, वहाँ रोज के रोज मारा पीटी होती है। इतने सारे औरतों को मार चुके हैं, ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई करके लोगों के बाजू काट देते हैं। बहुत भयानक स्थिति है मलप्पुरम की, और ऐसे लगता है केरला की सरकार उनसे डरती है क्योंकि वहाँ कोई भी कोई कार्रवाई होती नहीं है। जो सबसे कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको मलप्पुरम भेजा जाता है। कुल मिलाकर उन्होंने मलप्पुरम की एक बेहद भयावह इमेज पेश की। ऐसा उन्होंने क्यों किया ये समझ में नहीं आया, क्योंकि जिस घटना के बारे में उनसे बात की जा रही थी वो पलक्कड़ की थी। पाकिस्तानी कैनेडाई लेखक तारिक फतेह ने सिलसिलेवार ट्वीट्स किए। इस दौरान उन्होंने NDTV की एक रिपोर्ट शेयर करते हुए मुस्लिमों को हथिनी की मौत का जिम्मेदार ठहराया। यहां तक कि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस घटना के बारे में दावा किया कि ये मलप्पुरम में घटी है। असल में पलक्कड़ की जगह मलप्पुरम की घटना होने की खबर NDTV की ही उस रिपोर्ट से फैली जिसका लिंक या स्क्रीनशॉट ज्यादातर लोगों ने शेयर किया है। इस NDTV की रिपोर्ट को बाद में अपडेट किया गया। शुरुआती दावे में कहा गया था कि हथिनी की मौत मलप्पुरम में हुई। अपडेटेड आर्टिकल में ये जगह पलक्कड़ बताई गई। रिपोर्ट लिखने वाली शैलजा वर्मा ने सफाई देते हुए ट्वीट किया कि उन्हें जिले के नाम की गलत जानकारी मिली थी। केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने ट्वीट करके बताया कि यह घटना पलक्कड़ की है। केरला के वन मंत्री के राजू ने भी यही कहा। जब हमने आगे देखना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि न केवल NDTV बल्कि कई अन्य मीडिया संस्थानों ने भी इस घटना को मलप्पुरम का बताया था। और तो और रिपब्लिक, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स नाउ, इंडिया TV, द इकोनॉमिक टाइम्स, ANI, न्यूज नेशन आदि ने भी गलत खबर चलाई और इसे चलाना जारी रखा। इस पलक्कड़ और मलप्पुरम के कंफ्यूजन के अलावा एक और गलती थी जो की जा रही थी, इसे भी NDTV ने सुधारा। पहले उनकी रिपोर्ट कह रही थी कि हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिलाया गया, बाद में इसे बदलकर लिखा गया हथिनी ने पटाखों से भरा हुआ अनानास खाया। मन्नारगढ़ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर KK सुनील कुमार ने ऑल्ट न्यूज से बताया कि हथिनी ने विस्फोटकों से भरा अनानास खाया था, इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है। उसने किसी फल के साथ विस्फोटक खाया होगा, ये हो सकता है अनानास के साथ खाया हो, लेकिन ये केवल एक कल्पना है, ऐसा कोई सबूत पोस्टमार्टम में नहीं आया है। हथिनी की मौत की जांच जारी है। एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। 5 जून को पुलिस ने विल्सन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया जो कि बतौर रबर टैपर काम करता था। जिस फार्म में वो काम करता था उसके मालिक अब्दुल करीम और उसके बेटे रियाजुद्दीन की पुलिस तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि इन सभी को विस्फोटकों के बारे में मालूम था और ये सभी इस घटना के जिम्मेदार हैं। KK सुनील कुमार ने ऑल्ट न्यूज को ये भी बताया था कि जंगली इलाकों में लोग अपने खेतों से जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए देसी बम लगाते हैं, ये एक सामान्य प्रैक्टिस है। जानवरों को मारने, पकड़ने या भगाने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल कई राज्यों में किया जाता है। पिछले साल तेलंगाना में जानवर भगाने के लिए लगाए गए देसी विस्फोटक से एक आदमी की जान चली गई थी। जंगली सुअर मारने के लिए बनाए गए बम के विस्फोट से बेंगलुरु में 2014 में 2 लोग घायल हुए थे। 2017 में मध्य प्रदेश के विदिशा में एक गाय ने गलती से ऐसा ही विस्फोटक खा लिया था, जिसके तुरंत बाद
शंखनाद ने फेक न्यूज फैलाई थी कि मुस्लिमों ने गाय को विस्फोटक खिला दिया। ऑल्ट न्यूज ने सांप्रदायिक फेक न्यूज को खारिज किया था। निष्कर्ष के तौर पर कहा जाए तो एनडीटीवी और कई अन्य मेनस्ट्रीम मीडिया संस्थानों द्वारा दी गई गलत जानकारी की वजह से लोगों ने यह विश्वास कर लिया कि घटना केरल के मलप्पुरम जिले में हुई है, जबकि वो पलक्कड़ में हुई थी। चूंकि मलप्पुरम एक मुस्लिम बहुल जिला है, इसलिए मामले ने स्वाभाविक रूप से मुस्लिम विरोधी मोड़ ले लिया। इसके अलावा बिना सच जाने मीडिया रिपोर्ट्स में गांव वालों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने हथिनी को पटाखे खिलाए हैं, जबकि वन विभाग के अधिकारियों की जांच बताती है कि वो उस जाल में फंस गई जो खेतों से जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए लगाया गया था।